इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज़ में स्वागत है। जब पत्रकार ने ऋतिक रोशन से पूछा, आप किस लड़की को अपना क्रश मानते हैं, फिल्म जगत के बहुमुखी कलाकारों से एक ऋतिक रोशन ने एक तरफ काबिल और सुपर 30 जैसी फिल्मों में आम इंसान का रोल प्ले किया है, तो क्रिस रिलीज होने पर फिल्म में सुपर हिट के रूप में देखें। हाल ही में यह वीडियो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बात का खुलासा किया है। जब पहली बार उनसे पूछा गया कि टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने को आपको कैसा लगता है, इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया, टाइगर ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। असल में वह फिल्म करने की मेरी शर्त भी थी, अगर टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में तो मुझे यह फिल्म जरूर करूंगा, नहीं तो मैं सोचूंगा। मेरे लिए जरूरी यह है कि मेरे सामने जो कलाकार हो वो मुझसे बेहतर हो। फिर उसने पूछा गया कि 45 साल की उम्र में भी खुद को अपना हैंडसम और फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं। ऋतिक ने कहा, जिंदगी में डर होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने वार जैसी फिल्म करता हूँ तो मुझे पता होता है कि सामने वाला मुझसे बेहतर है और मुझे मेहनत करनी और होगी। फिट रहने के लिए चुनौती देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अगला सवाल यह है कि वह आप बॉलीवुड सुपर हीरो को पसंद करते हैं। सुपर हीरो की बात करें तो मेरे सारे किरदार वही हैं जो दुनिया भर में किरदार हैं, लेकिन अगर नाम लेते हैं तो जिद है मुझसे सुपर हीरो किरदार आयरन मैन, थार, हल्क और वंडर वुलन का क्रम से संसद सम पसंद है। वो आपको दुनिया के बहुत से पुरुष का खिताब मिल चुका है। आपकी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। हम खूबसूरती को बाहर स्वरूप देखते हुए, मेरे लिए यह मायने रखता है कि अगर मैं इस बाहरी खूबसूरती को तरफ आकर्षित होता तो ज़्यादातर हम सामने वाले को बहुत बाहरी खूबसूरती के आधार पर ही परखते हैं। बाहरी स्वरूप में परखने के लिए बदलने वाले यह लोग